तुलसी काष्ठ से निर्मित सुसंस्कृत भगवत प्रसादी युक्त जो माला है वो कंठ में धारण करनी चाहिए। और महाराज जी, तुलसी माला का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। तुलसी काष्ठ संभूता कंठ लगना सुसंस्कृता गुरु प्रदातु या माला न त्याज्या कदाचन। तुलसी काष्ठ युक्त जो कंठ संलग्न माला है गुरुदेव के द्वारा दी गई है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है तुलसी काष्ठ मालां तु प्रेतराजस्य दूतका दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण बातोद्भूतम यथा वलम। कहते महाराज, जैसे वायु के वेग से फूलों की पंखुड़ियां दूर चली जाती हैं, उड़ जाती हैं, ऐसे ही जिसके कंठ में तुलसी माला है उसको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। तुलसी माला धारण करते समय तुलसी काष्ठ संभूते माले विष्णु जनप्रिय विभर्मित्वामहं कंठे कुरुमाम राम वल्लभम, इस मंत्र से तुलसी माला अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। विष्णु जनों को अत्यंत प्रिय हे तुलसी, आप श्री राम वल्लभा हैं, हम आपको कंठ में धारण कर रहे हैं, आप हमारा कल्याण करें। यथा त्वं वल्लभा विष्णोर नित्यं विष्णु जनप्रिया तथा मांकुर देवी त्वं नित्यं विष्णु जनप्रियम। जैसे आप भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हो ऐसे ही मैं भी भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाऊं, ऐसी कृपा हे तुलसी आप करो। महाराज जी, लिखा है कि स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी शरीर पर रहे और उसको छू करके जब शरीर से जल का स्पर्श होता है तो संपूर्ण भूमंडल के तीर्थों में स्नान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक लिखा है कि तुलसी कंठ में है और प्रसाद पाता है तो लिखा है सिखते सिखते तुलवते बाजमेध फलम मुने, एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपी विष्णुद्रोही भविन्नरा। यज्ञोपवीत जैसे ब्राह्मण को द्विजाति को श्रद्धा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत विरहित हो जाए तो जब तक दूसरा यज्ञोपवीत धारण न कर ले तब तक उसे कुछ खाना पीना भी बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही वैष्णव को कंठी न रहे तो जब तक दूसरी तुलसी धारण न कर ले तब तक अन्न जल आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, चलना फिरना भी नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी सदा, हमारे यहाँ तो महात्मा लोग जटा में तुलसी का हीरा पधरा लेते हैं तो और कहीं से निकल जाएगी, जटा वाली तुलसी तो जल्दी निकलती नहीं, तुलसी तो रहेगी। तुलसी कान में धारण कर लेते हैं, कान में तुलसी धारण करने की भी बड़ी महिमा है। तुलसी का संपर्क संबंध निरंतर बना रहना चाहिए। तुलसी काष्ठ से भगवान को नैवेद्य तैयार करें, भगवान का नैवेद्य तैयार करें और प्रेम से भगवान को भोग लगावे तो महाराज जी पुराणों में लिखा है 1000 वर्ष का भोग धरने से भगवान को जैसी तृप्ति होती वैसी तृप्ति एक बार भोग धराने से हो जाती, 1000 वर्ष के लिए भगवान तृप्त हो जाते। इस बार जगन्नाथपुरी थे रथ यात्रा वाले दिन तो परसों की बात, एक प्रेमी वैष्णव ले आए तुलसी सूखी बहुत, तो हमने कि बहुत अच्छा अवसर है जगन्नाथपुरी में अपने ठाकुर जी का जो स्थान है उसमें जगन्नाथ जी विराजे हैं इस बार,
तुमने कि जगन्नाथ जी को भोग धरा दें तो 1000 साल का भोग हो जाएगा। तो तुलसी खूब आ गई थी, तो एक वैष्णव संत से उन्होंने बड़े प्रेम से नाम जपते हुए खीर बनाई। 30-35 किलो तुलसी की लकड़ी थी, तो खूब सुंदर मिट्टी की मटकी में खीर बनी, वेद लक्षणा भारती देसी गाय के दूध के, और ठाकुर जी को भोग लगा। तो वैसे तो खीर बनती ही है, लेकिन वो जो खीर थी उसमें एक विलक्षण अपूर्व स्वाद, अपूर्व सुगंध, तो लगता था कि हाँ जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से तुलसी काष्ठ की अग्नि से निर्मित और नैवेद्य को भगवान ने अंगीकार किया। हमारे तो तृप्ति ही नहीं हो रही थी, तो हम तो बेईमानी भी की, कम से कम 2 कटोरा भर के पिया हमने, सबको एक एक मिले, हमको तो डबल मिलना चाहिए। बहुत दिव्य खीर। तुलसी काष्ठ के संबंध में लिखा है कि तुलसी की सूखी लकड़ी में यदि आहुति दे तो 1-1 तिल, 1-1 चावल, 1-1 यौ पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे तुलसी के काष्ठ में आहुति देने की बड़ी महिमा। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ वह्निना नतेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात कथंचन। शास्त्रों में लिखा है जिनके दाह संस्कार के समय तुलसी काष्ठ का प्रयोग किया जाता है वो लौट कर भगवान के धाम से कभी धरती पर नहीं आते। तुलसी की इतनी महिमा है कि हम उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा बपुष्पावनी। तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करती है। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा बपुष्पावनी स्पर्श मात्र से देह को पवित्र कर देती है। इसलिए जब तक तुलसी कंठ में न हो तब तक भगवत विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। हमने अपने वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर है, वहाँ के जो आचार्य वैष्णव हैं उनसे, एक दाक्षिणात्य वैष्णव से हमने पूछा, हमने कही कि आप लोग भगवान के मंदिर में पंचमाला तुलसी की धारण करते हैं, सतत तो तुलसी निरंतर तो धारण नहीं करते हैं, लेकिन पूजा के समय तुलसी धारण क्यों करते हैं? मैंने ऐसे जिज्ञासा के भाव से पूछा, तो उन वैष्णव ने ये बताया कि बिना तुलसी के भगवत विग्रह की सेवा का अधिकार नहीं है। हम लोग हमेशा तुलसी धारण नहीं करते, अशुचि अवस्था में तुलसी न रहे, पवित्र अवस्था में, इसलिए जप करेंगे, पाठ करेंगे, होम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो तुलसी धारण करते हैं। कितनी सुंदर बात है। तो तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो तुलसी जो है धारण करनी चाहिए। दासांत नाम में